हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी मेरा फ्री का क्लासेस चल रहा है, तो आप लोगों को शुरू से अगर सीखना है तो जाकर शुरू क्लास से देखिए, सीखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आज का क्लास है हमारा सब्यसाची ब्लाउज का। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, और साथ ही में हम स्टिचिंग भी बताएंगे कि आपको कैसे स्टिचिंग भी करना है। तो कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों मिलेगा आपको एक ही वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ताकि अच्छे से समझ में आए। और हाँ, आज का सब्यसाची का ब्लाउज का जो साइज होगा, पूरा साइज हम आपको एकदम अलग तरीके से बताएंगे, एकदम यूनिक तरीका होगा, ताकि आप लोगों को भी नाप जो है आपको याद रहे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको कर सकते हैं। बहुत बहुत सारे लोग बताते हैं कि बहुत डिफिकल्ट तरीके से इधर इस तरफ से नाप लो, उधर नाप लो, बहुत तरह का होता है। तो वैसा नहीं करना है, एकदम सादा सिंपल करके आप कैसे कटिंग एंड स्टिचिंग कीजिएगा बिना ज़्यादा नाप लिए, ज़्यादा कुछ करें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लाउज का साइज है हमारा 32 साइज, ठीक है। 32 साइज वाला ब्लाउज का हम आज आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे कटिंग और कैसे स्टिचिंग करना है। तो चलिए 32 साइज वाला ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको बताते हैं। वो भी हमारा होगा ब्लाउज, होगा सब्यसाची वाला ब्लाउज, ठीक है। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा ब्लाउज का साइज क्या है, 32 साइज है, ठीक है। तो 32 साइज का हमको आधा निकालना है। तो 32 साइज का आधा कितना होता है, 16, ठीक है। तो 16 का हम आधा निकालेंगे, 16 का आधा कितना होगा, 8, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लाउज का साइज, क्योंकि देखिए चार भाग में निकालना है। आगे पूरा मेरा पूरा ब्लाउज का साइज होगा 32 साइज, तो हमको चार फोल्ड करने के बाद 8 लेना है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पेपर है उसको हम चार फोल्ड में फोल्ड कर लिए हैं। देखिए, चार फोल्ड में पेपर को फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको हम लेंगे नाप। देखिए, तो नाप लेने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा फिटिंग्स आएगा 32 में, 32 में मेरा फिटिंग्स आएगा, तो हमको ज्यादा मार्जिन लेके बनाना है, 2 इंच हमको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कमर जो होता है, कमर फ्रंट साइड वाला कमर या बैक साइड वाला कमर हो, तो जितना आपका नाप है उसके हिसाब से आपको 2 इंच कम लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। देखिए, 8 इंच है मेरा पूरा फिटिंग्स, और हम 2 इंच मार्जिन लेंगे, ठीक है। 2 इंच मार्जिन ले लिए। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहां से हम लंबाई लेंगे ब्लाउज का 13.5 इंच, ठीक है। 13.5 इंच ले रहे हैं। अब यहां से हम लेंगे गले के लिए 3 इंच, और कंधा हम लेंगे 2.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, आर्महोल का लेंगे। देखिए, यहां से हम लेंगे आर्महोल 5.5 इंच, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे, और जैसा हम नापी लिए थे उसको इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। देखिए, मिला दिया। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का साइज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे बोले कि कमर में थोड़ा कम लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम 1.5 इंच अंदर तरफ लेंगे, और यहां से भी हम 1.5 इंच अंदर तरफ दाग दे देते हैं। अब क्या करना है, इसको यहां से इस तरीके से तिरछा करते हुए मिलाना है। देखिए, इस तरीके से हम तिरछा करके मिलाए। अब आर्महोल का गोलाई देंगे यहां पे। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही कटिंग कर लेना है। देखिए, एक्स्ट्रा हटा देंगे। ये हो गया हमारा फुल मार्जिन वाला कटिंग। तो हम दोनों तरफ का कटिंग किए हैं। तो देखिए, हम दोनों तरफ का कटिंग किए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, गला का कटिंग नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक पार्ट जो फ्रंट साइड वाला पार्ट होगा, कोई भी एक पार्ट को इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे मेरा जॉइंट है, तो जॉइंट को पहले हटा लेंगे। देखिए, अब एक साइड का निकाल के
और साइड करके रख लेंगे। और एक साइड में हम पहले बैक साइड का जो भी आपको नेक में डिजाइन देना है या प्लेन करना है वो कर लेना है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम गला का डीप रखेंगे हम 10.5 इंच का। इसको अब सीधा लाइन ड्रॉ करके और गोल करके हम कटिंग करेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बैक साइड का डिजाइन देखना है, सीखना है, तो उसका भी वीडियो हम चैनल में डाला हुआ है मेरा, जाके देखिए, सीखिए, बहुत सारा डिजाइन है। देखिए ये हो गया हमारा बैक साइड, ठीक है। बैक साइड का कटिंग हमने कर लिया है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, नापेंगे पहले कि कितना मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मेरा कितना है 9 इंच, पर मेरा जहां से फिटिंग्स होगा, फिटिंग्स जहां से आएगा देखिए, वहां से है 7 इंच, ठीक है। फिटिंग से मेरा 7 इंच है, तो 7 इंच का आधा कितना होगा, 3.5 इंच, ठीक है। तो 3.5 इंच पर एक दाग दे देंगे। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा ऊपर तरफ 3.5 इंच पर तक इतना लंबाई तक एक टक्स लगेगा, तो उसको हम इस तरीके से तिरछा करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा टक्स लगेगा, ठीक है। इस तरीके से पीछे साइड में एक टक्स लग जाएगा, ताकि ब्लाउज जो है एकदम पीछे साइड में बराबर से बैठे। तो ये वाला टक्स को हम ध्यान में कैसे रखेंगे कि कहाँ पे टक्स लगाना है, दोनों तरफ देखिए एक ही तरफ हम लाइन ड्रॉ किए हैं, दोनों तरफ तो लाइन ड्रॉ नहीं किए हैं, तो इसको हम याद रखने के लिए और फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट्स लगा देंगे इस तरीके से। देखिए अब इसमें दोनों तरफ का क्या होगा कि हम समान साइड में एक ही साइड में दोनों तरफ कर सकते हैं टक्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया हमारा फ्रंट बैक साइड, अब लाते हैं फ्रंट साइड। देखिए फ्रंट साइड में हम कैसे कटिंग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप फ्रंट साइड की कटिंग करें, अगर आप पेपर में पहले कटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके बाद आप कपड़ा पे कटिंग कीजिएगा, क्योंकि पेपर पे कटिंग करने से क्या होता है कि अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसके बाद हम कपड़ा में अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहले यहां से हम कितना लिए थे 3 इंच, सॉरी 2.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम गला का, देखिए सब्यसाची वाला ब्लाउज है तो नेक का गला का जो डीप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 6 इंच पर रखेंगे हम गला का लंबाई। इसको इस तरीके से दाग दे दिए, सीधा चरखुट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 10 इंच पर एक और दाग देंगे। देखिए 10 इंच पर जहां पर हमारा टक्स लगेगा, 10 इंच पर ध्यान दीजिएगा, 10 इंच पर एक टक्स लगेगा, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पता चले कि हमारा 10 इंच कहाँ पे हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले जो हमारा गला का शेप है वो दे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन, आपको जैसा डिजाइन पसंद है वैसा दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम दिए शेप, अब इसको हम यहां तक लाएंगे, ठीक है। अब क्या कराना है, देखिए अंदर तरफ हमको लेना है 4.5 इंच, सॉरी 4 इंच, यहां पे हम अंदर तरफ लेंगे 4 इंच, ठीक है। आप साइज के हिसाब से कीजिएगा, अगर बड़ा साइज वाला बना रहे हैं तो अंदर और थोड़ा डीप जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 इंच ले लिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से जैसे हम टक्स लगाते हैं वैसे ही इस तरफ 1/2 इंच और इस तरफ 1/2 इंच, देखिए जैसे एक टक्स का निशान होता है वो लगा लेना है। तो यहां पे हमारा टक्स का निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से जो अंदर तरफ से मेरा 4 इंच पर होगा, 4 इंच पर एक दाग देंगे, देखिए इस तरीके से दे दिए। अब इसको यहां पे मिला देना है गोल करते हुए, देखिए इस तरीके से गोल करते हुए मिला देना है, हो गया। अब क्या करना है, ये तो हो गया हमारा एक साइड वाला, ठीक है। अब नीचे वाला गोलाई कैसे होगा, तो ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, अंदर तरफ लेंगे 2 इंच, अंदर तरफ लिए 2 इंच,
और 2 इंच लेने के बाद इसको हम इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से गोलाई का शेप देंगे, इस तरीके से गोलाई का शेप दे देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो कोना था, कोना से 3.5 इंच मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम जैसा लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से इसका जहां पे हम टक्स लगाए थे पहले टक्स को कटिंग करके और निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से टक्स को हम निकाल लेंगे। ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसको फेंक देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जिस तरीके से लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे ही कटिंग करना है। देखिए कटिंग किए, अब गला का शेप, देखिए गला का शेप भी हो गया। अब यहाँ का जो गोल है ये वाला, इसको हम पहले इसके एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल लेंगे और इस तरीके से इसको हम देखिए इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा आगे का, देखिए इस तरीके से आएगा। अब अगर हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे, देखिए इसको अगर हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से फूल जाएगा, पफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आगे साइड वाला। अब हम कमर का कैसे निकालेंगे, देखिए कमर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टुकड़ा बचा इससे हम कमर का निकालेंगे कपड़ा। तो देखिए उसके लिए फिर एक पेपर ले लेना है, देखिए पेपर ले लिए हैं। अब पेपर पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से जिस तरफ देखिए डबल है उसको हम आगे तरफ रखेंगे और ये वाला जो खुला साइड है उसको हम पीछे तरफ रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से जिस तरीके से है देखिए, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे। अब हमको क्या करना है कि आपका कमर का पट्टी आपको कितना चौड़ा रखना है उसी हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, तो आपका कमर का चौड़ाई कितना होना चाहिए, देखिए इसमें सिर्फ हम जो गोलाई का शेप होता है ना, गोलाई का शेप हम इसमें देखेंगे कि कैसे करना है। पहले नाप ले लेते हैं, देखिए नाप हम कितना लेंगे, यहां से हम कमर का 5 इंच रखेंगे कमर का। अब देखिए 5 इंच हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 5 इंच पर हमारा नीचे तरफ हम फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फिटिंग्स आएगा वो 3.5 इंच पर फिटिंग्स आएगा, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं नीचे तरफ फोल्ड करने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम यहां से इस तरीके से रखना है हमको और इस तरीके से इसको बैठा देना है। और फिर हम क्या करेंगे, इसका इस तरीके से जैसे इसमें है वैसे ही सेम लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिए, ये हो गया हमारा कमर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे। देखिए तो फ्रेंड्स एकदम आसान तरीका बताए हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं है इसमें। इसमें आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आया समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्रंट साइड, इस तरीके से रहेगा, ये हो गया फ्रंट साइड, ये हो गया इसमें जॉइंट होगा, जो ये हो गया इस तरीके से जॉइंट होगा। ठीक है, और इस तरीके से जॉइंट होने के बाद जो हमारा कमर कटिंग किए थे हम, इसको हम इस तरीके से इसमें जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जो है हमारा पूरा सब्यसाची ब्लाउज बनके तैयार हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।